और तीसरे नंबर पे होता है सोता। पंडाल में आके बैठ गए, खंबे पे टेक लगा के और थोड़ी देर में खर्राटे भरने लगे, नींद आ गई, सो गए। तो उद्धार उन्हीं का हो पाता है जो भगवान के दरबार में श्रोता बन के आते हैं। एक गांव तो बहुत बढ़िया परीक्षित जी, मानो हर कई गांव जैसे हुए भैया राजवीर। गांव में कुछ लोग पी लेते, हर के गांव कोई पियत ना है। तो उस गांव में हो रही भागवत, और पंडित जी बहुत बढ़िया कथा सुना रहे। गांव में एक ऐसा व्यक्ति था जो कथा नहीं सुनता था। कहता क्या पंडित जी हो 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 करते रहते, बकवास करते, ध्वनि प्रदूषण फैलाते, उसे बड़ा बुरा लगता, कथा सुनने नहीं जाता। कथा होते होते चार दिन हो गए। लोगों ने कहा भैया पंडित जी इतनी बढ़िया कथा सुनाते हैं कि रस बरस जाता है। उस व्यक्ति ने सोचा कथा सुनो चाहे न सुनो, लेकिन रस तो बढ़िया होता है, रस तो पीने को मिल ही जाता है। सोचने लगा पंडित जी की बकवास सुनने नहीं जाऊंगा, मैं रस पीने जाऊंगा। अगले दिन पांडाल में पहुंच गया, बड़ा सा कटोरा लेकर के गया। सोचने लगा ये तो सब बेवकूफ बैठे, मैं होशियार हूं जो कटोरा लेके आया हूं, सबसे पीछे बैठ गया खंबे की टेक लगा के। कटोरा आगे कर लिया, न जाने कब रस बरस जाए। भैया अब वो कथा तो सुनने आया नहीं था, कटोरा आगे की मस्त बैठा खंबे की टेक लगाए, और तब तक उसे नींद आ गई, सो गया। आपने देखा होगा जहां भागवत होती है तो कथा सुनने वाले के साथ एक दो कुत्ते तो आ ही जाते हैं पांडाल में। तो एक कुत्ता घूमता हुआ आया, और उस कुत्ते ने जब उस कटोरे को देखा तो कुत्ते का स्वभाव होता है, कुत्ते ने टांग उठाई और उस कटोरे में कृपा कर दी। थोड़ी देर में जब वजन बढ़ा, उस व्यक्ति की आंखें खुली, अरे रे रस तो बरस गया, मैं जान भी ना पाया। सब बावरे बैठे, मैं होशियार हूं जो मैं कटोरा लेके आया और मुझे रस पीने को मिल रहा है। तो विचार करने लगा कोई मांगने न लगे, इससे पहले गट कर दोनों हाथों से कटोरा पकड़ा और पीना शुरू कर दिया। सोचने लगा ये कैसा रस है, ये तो नमकीन है। फिर विचार किया कि गन्ने का ऊपरी भाग कुछ नमकीन होता है, नीचे मीठा होता है, इसी आस में बेचारा पूरा पी गया। लेकिन भैया कहीं रस नहीं मिला परीक्षित जी। शाम को लोग चबूतरे पर बैठे, लोगों ने कहा भैया आज तो पंडित जी ने इतनी बढ़िया कथा सुनाई कि रस ही रस बरस गया। वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा चुप, बकवास करते हो, अरे वहां रस नहीं बरसता, वहां नमकीन बरसता है। एक लड़का बोला तुम सही कह रहे हो भैया, तुमने कुत्ते की कृपा पी है इसलिए तुम्हें नमकीन लग रहा है। बोली कन्हैया लाल की। तो देखिए प्यारे भाई, जो भगवान के दरबार में भगवान के भक्त बन के आते हैं उन्हें आनंद में रस प्राप्त होता है, और जो मनोरंजन के लिए आते हैं उन्हें तो नमकीन प्राप्त होता है। लेकिन अपना गांव बहुत अच्छा है, अपने गांव में सभी भक्त बड़े श्रोता है। तो आज तो पहला दिन है और भगवान की कृपा से कथा भी आप श्रवण कर रहे हैं।
बोली कन्हैया लाल